आप तीन दिन से जो सुन रहे हैं इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। स्वामी जी, कल जब आपने त्रिपुटी के बारे में बताया तो प्रमाता, प्रमा और प्रमेय ये त्रिपुटी है, और फिर आपने कहा चौथा एक प्रमाण भी होता है, ये त्रिपुटी से कुछ अलग है, प्रमाण होता है। नहीं, वो प्रमाण त्रिपुटी में नहीं लेट के आता है। मतलब कहा है प्रमाता प्रमेय दोनों से संबंध रहने वाला प्रमा जो पैदा होता है, वो मतलब नोन, नोयर एंड नॉलेज, इसको त्रिपुटी बोलता है। उसी प्रकार ध्येय, ध्याता, ध्यान, जब ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रमाण का पहलू क्या होगा? नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर नहीं है। इसमें इसमें प्रमाण ऐसा है, वो होने के लिए, परमा पैदा होने के लिए वो कुछ प्रमाण चाहिए, इसलिए चौथा आ रहा है। ये चौथा ऐसा कुछ नहीं है, प्रमाण चाहिए भाई। और कुछ पूछना है? समाधान मीन वी शुड नॉट गेट एक्साइटेड, वी शुड नॉट गेट डिप्रेस्ड। विदाउट गेटिंग एक्साइटेड एंड डिप्रेस्ड इट इज पॉसिबल टू टेल समबडी दैट इज आई विल डू इट, सपोज ही डजंट लिसन टू मी, आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब। सपोज ही लिसन्स टू मी, आई शुड नॉट गेट एक्साइटेड, लाइक दैट, दैट इज समाधान। अच्छा, हाँ मीन से ठीक है। अच्छा, अभी देखो प्रमाण के बारे में और आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने विचार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वो हमको पांच इंद्रिय है, और श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा, ग्रहण, ये पांचों क्या करते हैं? वो अपना अपना विषय है। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उसी क्रम में वो उसको ग्रहण करता है। वो उसको बोलता है प्रत्यक्ष प्रमाण। स्पष्ट हमको मालूम होता है। अंधे संदर्भ में कहा ओ ठीक नहीं देख पड़ा, गलत समझा, मिथ्या ज्ञान बोलता है, ठीक समझा सम्यक ज्ञान बोलता है, और संशय से समझा संशय ज्ञान बोलता है। लेकिन संशय हो मिथ्या ज्ञान हो, प्रमाण का दोष नहीं है, मेरा दोष है। अथवा वो वहाँ पर सन्निवेश का दोष हो सकता है, प्रायशः जितना प्रकाश चाहिए उतना नहीं है, इसलिए हो सकता है। मतलब प्रमाण में कभी भी गलत नहीं आता है, इसको याद रखना। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। बाद में अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण क्या है? धुआं को देखा, और बाद में धुआं आग संबंध हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसको याद रखा, उसको स्मरण करके वो पहाड़ पर
आग है ऐसा मैंने बोला, यह अनुमान प्रमाण है। आग मैं नहीं देख रहा हूँ लेकिन है उधर ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। वो अभी पारिभाषिक शब्द क्या है उसको क्या बोलता है, आग को क्या, आग क्या बोलता है, आग को व्यापक, व्यापक। और धुआं को क्या बोलता है, व्याप्य। और दोनों के संबंध क्या कहता है, व्याप्ति, है ना। इसलिए व्याप को व्याप, व्याप्य को देखकर व्याप्ति को याद करके व्यापक को बोलना अनुमान प्रमाण होता है, ओके ना। यहाँ पर प्रमाकरण मतलब प्रमा क्या पैदा किया, कौन सा वहाँ पर आप व्याप्य को देखा, है ना, व्यापक को देखने से ही मालूम पड़ा। इसलिए प्रमाकरण प्रमा किस किसने पैदा किया, ओ धुआ पैदा किया। इसलिए व्याप ही वहाँ पर प्रमाण है, समझोगे ना। अभी देखो यहाँ पर अनुमान में कभी कभी कारण से कार्य को भी अनुमान कर सकते हैं, कारण को देखकर कार्य को हम अनुमान कर सकते हैं। कभी कभी वो कारण को देखकर कार्य को देखकर कारण का भी अनुमान कर सकता है, है ना। बोलता हूँ सुनो, अभी बादल कारण है, बारिश कार्य है, बादल को देखा ओ आ जाएगा और 10-15 मिनट में जोर से बारिश आएगा, हम बोलेंगे अभी नहीं आ रहा है बाद में आता है लेकिन होगा, है ना। ये भी एक है, वो कार्य को देखकर कारण को भी बोल सकता है, है ना। अभी ओ धुआं कार्य है, आग जला इसलिए कार्य है, आग बोला। कभी कभी कार्य कारण संबंध नहीं है, उस समय भी अनुमान कर सकते हैं। कैसा पूछो बाबा, ओ श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों ऋषिमुख पर्वत को आते हैं, उस समय सुग्रीव का स्नेह होता है। सुग्रीव बोलता है सब कुछ सुनने के बाद, सुनो मेरे पास कुछ आभरण है, आभूषण है, देखो उसको, कुछ आपको मालूम होगा क्या। ओ दिखाता है, जब दिखाया अरे रे सीता जी का है, सीता का है, शायद आप सब लोग जानते हैं। वो समय है लक्ष्मण क्या बोलता है, जानामि नाम जानामि केवले नाम जानामि कुंडले नूपुरे पिबिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। हर दिन नमस्कार करता था इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता। कितना सदाचार को सिखाता है, कितना सदाचार को सिखाता है, सब कुछ याद रख। शास्त्र में ऐसा है, वो भाई भैया भाई का वो बिस्तर के ऊपर बैठना नहीं है, शास्त्र का नियम है, है ना। सब बहुत कुछ है, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आभूषण को देखा, आभूषण को देखा सर वो सीता को यहाँ से लेके आ गया है, चला गया है, ऐसा स्पष्ट हो गया। यहाँ पर कार्य कारण संबंध कुछ नहीं है वगैरह, ये व्याप्य है, आभूषण व्याप्य है, वो वहाँ पर लेके चला गया है, ये व्यापक है, है ना। वो व्याप्ति क्या है, ये आभूषण सीता जी का है, ये व्याप्ति है, है ना। इसलिए वो भी हो सकता है। और क्या है, अनुमान तीन प्रकार के हैं,
कार्य को देखकर कारण को बोलना, कारण को देखकर कार्य को बोलना, कार्य कारण संबंध न रहने पर भी कभी कभी ऐसा कर सकता है, सीता जी का दृष्टांत। ये तीनों अनुमान प्रमाण ही है, स्पष्ट हो गया, बाद में देखो। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, अनुमान प्रमाण हो गया, तीसरा है उपमान प्रमाण, है ना। उपमान प्रमाण क्या है पूछा, एक उपमान से दृष्टांत से वो समझा सकता है। सुनो भी, ओ ज़ीब्रा क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पद को सुना हो, ज़ीब्रा ऐसा एक प्राणी है, ऐसा सुना हो, है ना। मैं ये गांव में हूँ, ओ शहर को आ गया, ज़ू है, तब बोला वो गया, पूछा, बोलता है ज़ीब्रा, बोलता नहीं क्या है, और ज़ीब्रा बोलता है देखो कौन सा है ज़ीब्रा, देखो देखने के लिए आकार में घोड़ा जैसा है, लेकिन उसके ऊपर व्याघ्र के ऊपर जैसा होता है ऐसा पैचेस है। दृष्टांत दिया, उपमान दिया, उपमान से उपमान के आधार पर वो समझा, ओ वहाँ पर ये है, क्या है, ओ ज़ीब्रा है, ऐसा समझा। इसलिए उपमान के द्वारा भी समझ सकते हैं, मैं कहना कभी कभी ओ जिन लोगों को ओ प्रमाण शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है वो ये दोष कर लेते हैं, क्या है, उपमान देते ही जिसका उपमान है वो उपमेय है, उपमान उपमेय है ना, उपमान घोड़ा व्याघ्र, उपमेय ज़ीब्रा, है ना। अभी उपमान उपमेय में सादृश्य है, सिमिलैरिटी है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, सब प्रकार से उपमान उपमेय दोनों एक ही, ऐसा नहीं समझना, केवल एक अंश में वो सादृश्य होता है ना। सुनो कैसा शंकराचार्य दृष्टांत देते, अभी ओ ओ जल सांप है और वहाँ पर सांप है, नाग सांप है, नाग सांप, ये नाग क्या है, नाग वो भी सांप है, ओ जल सांप जैसा, तो बोला जल सांप जैसा, बोला ओ जल सांप जैसा वो भी कुछ कुछ नहीं करता है, पर वो नहीं सब पकड़ नहीं सकता, उसमें विष है इसमें विष नहीं है, स्पष्ट है। इसलिए सादृश्य को नहीं खींचना, जिस समझ में उपमान दिया है उसी को सीमित करके समझना, स्पष्ट है। जितना जिस समझ में बोला है उस समझ को सीमित करके ही समझना। उपमान प्रमाण बाद में भी, चौथा है बोलो अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति मतलब क्या है, उसका उसका अर्थ समझो। मैं किसी वाक्य को किसी बात को सुना, सुनते ही मेरे मन में एक अर्थ निकला, बाद में खुद देखा उस अर्थ ठीक नहीं बैठता,
इसलिए औरकर्थ को मैं कल्पना किया, दृष्टांत से मालूम हो जाता है, आसान से मालूम होता है। किसी ने बोला वहां पर देवदत्त नाम से है, कोई नहीं देखा वो खाना कर रहा, इसका खाना कोई नहीं देखा है, ऐसा बोला। सब बोलते ही मैं निश्चय किया वो खाना नहीं करता है, सिर्फ बहुत बड़ा योगी है, सिर्फ उसका दर्शन करना, ऐसा मन में लगा। बहुत प्रयास से उसका दर्शन किया, बहुत मुश्किल था, वो कहीं है क्या है, लेकिन जब देखा वो कैसा है, पहलवान है ना। अबे बोला रे 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 क्या है, खाता ही नहीं है बोल रहा है, ये नहीं खाता ही तो ऐसा नहीं रह सकता। इसलिए वो उसका खाना कोई नहीं देखा है, इसका मतलब वो खाता नहीं है ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है, वो जब कोई नहीं देख रहा है उसी समझ से अच्छा खाता है, उसका मतलब वो है। समझ आ गया आपको, इसका मतलब क्या है, एक अर्थ में जो समझा पहले वो अर्थ को आपत्ति आ गई, जब आपत्ति आ गई दूसरा अर्थ को मैंने किया, वो अर्थापत्ति है। समझेगा, एक बार बोलते रहो, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण, सब कुछ स्पष्ट है ना। अभी देखो, कुछ लोग बोलते हैं, ग्रंथों में भी बहुत बार आप देख सकते हैं, क्या है, अनुपलब्धि प्रमाण ऐसा भी लिखा है, प्रायः सुने होंगे कुछ लोग, अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण मतलब क्या है, बोला ओ एक वस्तु नहीं है ऐसा ज्ञान पैदा होता है ना। अभी सुनो, यहां पर बिल्ली नहीं है, यहां पर बिल्ली नहीं है कैसे मालूम पड़ा, अनुपलब्धि प्रमाण से मालूम पड़ा, ऐसा बोलता। समझ आ रहा है, वेदांत ग्रंथों में भी लिखा है, लेकिन आप ही देखो, यहाँ पर जो कोई आता है आते ही यहाँ पर बिल्ली नहीं है ऐसा ज्ञान होता है क्या, नहीं होता। कब होता है कि बिल्ली, ये बिल्ली है इधर ना, बिल्ली नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा बिल्ली है या नहीं, तब देखकर नहीं है बोलते है ना। प्रश्न जब नहीं पूछा तब और नहीं बिल्ली नहीं ऐसा ज्ञान नहीं होता है ना। इसलिए वो ये नहीं है ऐसा कैसे मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा, देखा तो प्रत्यक्ष देखा नहीं है, अनुमान से सोचा नहीं है, अनुमान से मतलब क्या है, व्याप्य रहना, व्याप्य कुछ है ही नहीं, अनुमान से भी नहीं, उपमान से भी नहीं, अर्थापत्ति से भी नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं भाष्यकार, ये चारों प्रमाणों को जो नहीं मिलता है उसको नहीं है समझना,
एक वस्तु नहीं है, कब मालूम होता है? चार प्रमाणों से मैं ढूंढता हूँ उसको, किसी प्रमाण से नहीं मिला तब निश्चय करता हूँ वो नहीं है। इसलिए नहीं है ऐसा बोलने के लिए और एक प्रमाण नहीं चाहिए। ये चार प्रमाण से नहीं मिला तो नहीं हो जाता है ना। और इस प्रमाण का उपयोग कहीं नहीं होता है। कुछ जगह में मीमांसा शास्त्र में कुछ लोग उसको ऐसा मानते हैं, समझा? वेदांत में इसे मानने की जरूरत नहीं है। सुरेश्वराचार्य स्पष्ट लिखते हैं अनुपलब्धि प्रमाण में मतलब नहीं है, स्पष्ट लिखा है। इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण एक प्रमाण नहीं है। नाम आप सुने होंगे, इसलिए मैं बोला इसके बारे में। अभी चार प्रमाणों के बोला, इन चारों प्रमाणों से क्या पाठ सीखना इसको समझो। अभी मैं जो बताता हूं बहुत मुख्य है। क्या देखो, अनुमान प्रमाण में आग है ऐसा बोला। आग है स्पष्ट कब हुआ? देखने के बाद ही हुआ। उपमान प्रमाण में जीब्रा है ऐसा कब मालूम पड़ा? देखने के बाद ही मालूम पड़ा। अर्थावत प्रमाण में वो देवदत्त नहीं खाता है कब मालूम पड़ा? देखने के बाद ही मालूम पड़ा। इसलिए तीनों प्रमाण, अनुमान उपमान अर्थापत्ति, वो ठीक है ऐसा निश्चय होने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार लेना ही है। क्या समझ में आ रहा है सबको? प्रत्यक्ष प्रमाण से जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक मैं जो अनुमान किया हूँ, उपमान दिया हूँ, अर्थापत्ति अर्थ के समझा हूँ, ये ठीक है ऐसा नहीं समझता। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। देखा मतलब हो गया है, सबको समझ में आ गया? इसको ऐसा समझाते, बाकी तीनों प्रमाणों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण का अंकुश है। अंकुश मतलब क्या है? देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण को ठीक नहीं तो ये चल जाता। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ऐसा कुछ अंकुश कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा मतलब हो गया है ही। सब याद रखेंगे इसको, इसको याद रखना। ये मूल विषय है सब कुछ। इसको आप भूल गया, इसको ठीक नहीं समझा, बाद में कुछ भी वो कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हाँ तब क्या 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 हमको नहीं समझता है या तो भी ऐसा सुनते रहते, ये ठीक नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध कोई बात किया ये गलत होता ही है। समझ आ गया आपको? वेदांत हो कुछ भी हो, वेदांत हो साइंस हो कुछ भी हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध बात किया वो गलत है। याद रहता है?
इसको मैं क्यों बोलता हूँ सुनो, आप बार बार वेदांत के बारे में सुनते हैं ये जगत मिथ्या है, मतलब क्या है, है ही नहीं, देखते हैं लेकिन नहीं है, ऐसा हम सुनते या नहीं। लेकिन जगत है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम हो रहा है या नहीं, सिर्फ एक को होता है, सबको आ रहा है ना। बाद में उसमें इतना नियम है, नियम क्या है, ओ सूर्य माँ के ग्रह हसी स्पीड में ऐसा ही जाते रहना, करोड़ 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 साल तक ऐसा जाते रहना, उसमें उल्लंघन होता है क्या। बाद में ओ गर्मी होता है, बाद में बारिश होता है, बाद में सर्दी होता है, फिर एक बार गर्मी होता है, नियम है या नहीं। आजकल तो रॉकेट को भेजते हैं, यहाँ से चंद्र को भेजते हैं, शायद आपको मालूम है, वो एक जगह में ऐसा गिर जाना ऐसा बोला, वहाँ पर जाता है ना, कितना जाता है, यहाँ पर इतना जगह है ना, इतना जगह में इधर आना, वहाँ भेजता है। क्या जी, ये इतना होने के बाद जगत नहीं है आप देख रहे हैं ऐसा बोला ठीक होता है क्या, समझ आ रहा है आपको। निसंशय ये गलत है ना, बाद में देखो शंकराचार्य क्या बोलते हैं, मैं देखो कुछ ना बोलते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण को रखकर बात मत करो, श्रुति श्रुति बोलती है सब कुछ मिथ्या, ऐसा श्रुति से सबसे बड़ा है प्रत्यक्ष प्रमाण अज्ञान के बारे में, श्रुति है वो बोलता है, ऐसा कभी कभी सुने होंगे, सुनते हैं या नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते हैं सुनो, उस वाक्य को सुनो, ओ अग्नि जो है वो अग्नि ठंडा है उसमें प्रकाश नहीं है, ऐसा 100 श्रुति बोलने पर भी ये बात गलत है। शंकराचार्य का वाक्य इसको याद रखो, 100 श्रुति अग्नि ठंडा है प्रकाश नहीं है ऐसा बोला ये गलत ही है, इसमें विश्वास नहीं आ सकता। लेकिन श्रुति गलत नहीं बोलता है ना, अच्छा हाँ श्रुति भी गलत नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर एक वाक्य है ऐसा, इसलिए क्या करना, अर्थापत्ति प्रमाण का उपयोग करो। अर्थापत्ति मालूम हो गया आपको, अर्थापत्ति देवदत्त का दृष्टांत दिया है ना, अर्थापत्ति में क्या किया, जब खुद देखा ये मोटा है इसलिए मैंने दूसरे अर्थ को वो किया, क्या किया, वो जब कोई नहीं देख रहा है उस समय वो खा रहा है ऐसा बोला है नहीं। उसी प्रकार क्या करना, वेद में जो कहा है उसको भी विरोध नहीं आना, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी विरोध नहीं होना, ऐसा दूसरा अर्थ को करो, कैसा है ना, यह वाक्य कहाँ आ रहा है, देखो वेद में कहीं आता है वो, संदर्भ क्या है थोड़ा आगे पीछे पढ़ो, संदर्भ क्या है,
वहाँ पर बोल रहा है, ओ हिमत मैं गौरी शंकर में इतना ठंडे 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 अग्नि में प्रकाश नहीं है, अग्नि में उष्ण नहीं है, बोला। समझ आ गया ना? इसका मतलब क्या है? उत्प्रेक्षा हो सकता है? नहीं समझा या नहीं समझा? एग्जैगरेशन मतलब इतना ठंड है ऐसा समझाने के लिए ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? शंकराचार्य भाष्य में जो बोला है इसको तात्पर्य क्या है समझो। प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध श्रुति भी बात नहीं कर सकता। सब लोग समझ रहे हैं? सुनो आप सब लोग, ओ पढ़कर सब कुछ ओ समझदार लोग हैं, है ना? ऐसा मूड जैसा कुछ भी बोलता है कुछ सुनकर जाओ ऐसा नहीं होना, फिर ठीक नहीं, शोभा नहीं है। एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध बात किया, ये कैसा कर सकता है पूछना? है ना? जब तक आप नहीं पूछते हैं तब तक उनको भी चार लोग पूछा, अरे हम भी सोच रहे हैं, ऐसा होता है मन में, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप प्रवचन जब होता है उस समय पूछना आपका धर्म है, इसका पालन करो। स्पष्ट हो रहा है आपको? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, उसका अर्थ क्या है? ठीक ना, मिथ्या बोला है शास्त्र में, मिथ्या बोला है उसका मतलब क्या है? जगत नहीं है इसका, क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो किस अर्थ में बोला होगा उसको देखो। स्पष्ट हो गया? इसको याद रखो, बाद में इसका उत्तर जो है वो उत्तर मैं आगे बाद में बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा, है ना? मतलब ओ शास्त्र में ओ जहाँ कहाँ भी श्रुति में नहीं आता है, भाष्य में आता है। शंकर भाष्य में क्या आता है? मिथ्या ऐसा आता है। किस अर्थ में मिथ्या बोला है वो भी बोला है भाष्यकार, बाद में मैं समझाता हूं। हो गया ना? बाद में क्या है देखो, एक प्रमाण और किसी प्रमाण से विरुद्ध नहीं होता है। कुछ भी दो प्रमाण ले लो, कुछ भी अनुमाना उपमाना अर्थापत्ति श्रुति कुछ भी ले लो, लिया दोनों प्रमाण में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता है। है ना? ये कैसा है देखो, सावधानी से समझना। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण से एक वस्तु दिख पड़ा, मैं अनुमान का उपयोग करता हूं क्या? एक प्रमाण से निश्चय हो गया, बाद में दूसरा प्रमाण को मैं सहारा नहीं लेता हूं, हो गया। मुझे प्रमाण इतना मुख्य नहीं है, समझना मुख्य है। समझ गया, और एक प्रमाण की जरूरत क्या है? है ही नहीं। स्पष्ट हो रहा है सबको?
इसलिए हर एक प्रमाण का क्या है, मतलब और किसी प्रमाण को नहीं मिलता है उसी को बोलता है। जो अनुमान को प्रत्यक्ष को मिलता है उसके लिए अनुमान प्रमाण नहीं है। अभी प्रत्यक्ष नहीं है उसको कैसा समझना अनुमान प्रमाण है। वगैरह जी प्रत्यक्ष को भी नहीं मिला, अनुमान को भी नहीं मिला, उपमान को भी नहीं मिला, आत्थापति को भी नहीं मिला, वो ऐसा ही तो श्रुति का अन्वय करो, श्रुति में ढूंढो। इसलिए वो बाकी किसी प्रमाण को नहीं मिलता है ऐसा जो विचार है उसी को यह प्रमाण दिखाता है। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझा तो हाथ उठाओ, मैं फिर एक बार बोलता हूँ। फिर एक बार बोलो, सुनो, एक एक प्रमाण भी एक विषय को समझाता है ना, और एक प्रमाण को भी विषय है ऐसा नहीं है। सुनो और स्पष्ट करता हूँ, आग है, आग प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए विषय है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर हूँ, पहाड़ ऊपर है, पहाड़ में आग को मैं नहीं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष नहीं है, तब मैं अनुमान से बोल सकता हूँ धुआं को देखकर। मतलब इस समय में प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, तब मैं और एक प्रमाण को जाता हूँ। समझ गया? इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान में विरोध नहीं है। समझ गया? वो जीब्रा प्रत्यक्ष ही मालूम पड़ा, छोड़ो बराबर, लेकिन अभी मैं नहीं जानता हूँ, अनुमान से नहीं बोल सकता उसको, व्याप्ति ऐसा कुछ नहीं है, व्याप्य ऐसा कुछ नहीं है, जब उपमान से बोला वो समझ लिया। समझ लिया कब मालूम पड़ा? हाँ यही जीब्रा है। इसलिए जिस समय मैं पूछा उस समय मुझे मालूम नहीं था, उपमान और प्रमाण को स्वीकार करना पड़ा। इसलिए उपमान और प्रत्यक्ष प्रमाण में भी विरोध नहीं है, मगर सर्वत्र। इसलिए दो प्रमाणों में विरोध नहीं रहता है कभी भी, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी टू प्रमाणास। ईवन श्रुति, श्रुति ऑल्सो कैनॉट से अगेंस्ट प्रत्यक्ष और अनुमान, इज अ जनरल लॉ। बाद में देखो, कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है, विषय एक ही है, सावधानी से सुना, विषय एक ही है लेकिन एक प्रमाण से एक प्रकार मालूम होता है और एक प्रमाण से और एक प्रकार से मालूम होता है। ये क्या जी, कंफ्यूज हो गया। दृष्टांत देता हूँ सर, अभी स्ट्रेट लकड़ी एक है, मैं परसों बोला लकड़ी है, ये लकड़ी को मैं पहले नहीं देखा, वहाँ पर एक लकड़ी है, पानी में बर्तन में पानी है, उसमें ठेढ़ा ऐसा रखा है, उसमें डूबा है आधा, आंख से देखा ऐसा है,
ठीक है, हाथ लगाया, वहां पर ठेढ़ा नहीं है, स्ट्रेट है, समझ आ गया आपको? अभी लकड़ी एक ही है लेकिन वो आंग प्रमाण को ठेढ़ा है, त्वचा प्रमाण को सीधा है क्या जी? हाँ बोलते थे दोनों प्रमाण में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ऐसा, अभी हो गया ना विरोध हो गया ना। दोनों प्रत्यक्ष है लेकिन प्रमाण अलग अलग है, प्रत्यक्ष प्रमाण में पांच प्रमाण है, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो मतलब क्या है, एक एक प्रमाण को, एक प्रमाण को स्ट्रेट है, एक प्रमाण बेंट है, विरोध हो गया ना। शंकराचार्य जी इसको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं सुनो, अभी जब कभी ऐसा विरोध आता है तब सोचना, दो प्रमाणों में विरोध नहीं है, कैसा बोलना है? सुनो, वो लकड़ी जल के संबंध से, पानी के संबंध से टेढ़ा दिखता है, अपने आप में सीधा है, स्पष्ट हो गया सबको? इसका मतलब क्या है, अपने आप में जो सिद्ध होता है वो तत्व है, तत्व मतलब क्या है, एज इट इज, जैसा है वैसा है, लकड़ी जैसा है वैसा है, कब मालूम होता है, वो स्वतंत्र रूप से देखो मालूम होता है, लेकिन पानी के संबंध से उसी को देखा तब ठेढ़ा दिख पड़ता है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये भी ठीक ही है, गलत ज्ञान नहीं है, ये भी ठीक है ना, इसलिए उसका नाम क्या दिया, अतत्व बोला, इट इज रिलेटिव नॉलेज नॉट एब्सोल्यूट नॉलेज नॉट एज इट इज नॉलेज, सबको समझ में आ रहा है ना? इसको मैं क्यों बता रहा हूं, वेदांत में आगे जब आप जाएंगे आगे बढ़ेंगे वो एज इट इज नॉलेज नहीं मिल रहा है, रिलेटिव नॉलेज ही मिल रहा है, इसलिए रिलेटिव नॉलेज से एज इट इज नॉलेज क्या है ऐसा सोचना पड़ेगा। तो ये तत्व जो है वो संबंध के साथ मिल रहा है, तो वो संबंध हटाना पड़ेगा, रियल नॉलेज एज इट इज नॉलेज को नहीं, में संबंध को छोड़ना पड़ेगा, एज इट इज नॉलेज मतलब क्या है, और किसी से संबंध नहीं है, जिस वजह से वो वस्तु कैसा है जैसा है वैसा है, याद रखो। और अलग अलग दृष्टांत देता हूं, अभी सुनो जी, एक चक्र है ना, वो वहां पर गिरा है, गिर पड़ा है, कैसा दिखता है, एलिप्स जैसा दिखता है या नहीं, अंड जैसा दिखता है, ठीक है, उसको ही थोड़ा ऊपर लेके आ जाओ इसी लाइन में, तब स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, यहां पर लेके आओ इधर रखो तब सर्कल जैसा दिखता है, एक एक स्थल में एक एक प्रकार से दिखता है, इसलिए
इसका एज इट इज नॉलेज क्या है? समझ आ रहा है सबको? एज इट इज नॉलेज क्या है पूछा? अभी एज इट इज नॉलेज क्या है कैसा बोलता है? सुनो पापा, ज्योमेट्री में क्या बोलता है, हाई स्कूल में है, वहां पर इस चक्र है ना, सेंटर में एक पॉइंट है, वो कैसा है, वो चक्र में किसी पॉइंट को ले लो इक्वल डिस्टेंस में है, बोलता है नहीं? समझे ना? वो वृत्त मतलब केंद्र बिंदु एक है, बाकी सब कुछ उसी एक ही दूर में सब। इसलिए जैसा है वैसा ही देखने के लिए, समझने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, वो चक्कर जहाँ है वहाँ पर जाकर ऐसा देखना पड़ेगा, तभी मालूम होगा ये चक्कर ऐसा है। मालूम हो गया आपको? अभी और एक पॉइंट बोलता हूं, ये बहुत मुख्य है, इसको याद रखो। इसका मतलब क्या है जी? वस्तु जैसा है वैसा समझने के लिए मेरी इच्छा के अनुसार नहीं जान सकता, मैं उसको एडजस्ट करके मैं एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। नहीं समझा? बोलता हूं सुनो फिर एक बार। अभी चक्र के बारे में, ओ जैसा एज इट इज नॉट यथा तत्व, तत्व को समझने के लिए मैं ही उधर जाना, वहां पर देखना, मतलब वस्तु जैसा है वैसा समझने के लिए वस्तु को अनुसरण करके मैं समझना, मेरा मर्जी के अनुसार नहीं सही समझ सकता। आर यू फॉलोइंग मी? एनीवन? फिर एक बार इफ यू वांट एंड आई विल रिपीट इट। मेरे मर्जी के अनुसार नहीं समझ सकता किसी वस्तु को, समझने के लिए मैं उसको एडजस्ट करके देखना। अभी कैन दिस बी कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नॉलेज? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। नो, मेरे मर्जी के अनुसार होता है, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव नॉलेज ऐसा नहीं है, नॉलेज इज ऑल द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। आई हैव टू मोल्ड माय सेल्फ। यस यस, सुनो बोलता हूँ। मतलब ज्ञान, वस्तु का ज्ञान मतलब वस्तु जैसा है ऐसा मैं समझना, मेरे मर्जी के अनुसार नहीं समझ सकता। मैं इधर ही हूँ और एलिप्स ऐसा है तो एलिप्स ही है, मूर्ख आप होता, ये एलिप्स नहीं है, वहाँ पर जाकर देखो मालूम होता है, बोलता है या नहीं? इसलिए याद रखो, वस्तु का ज्ञान ऑब्जेक्टिव है, मेरे ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता है। इसको संस्कृत में बोलता है वस्तुतंत्र। बोलो, वस्तु के अनुसार मैं वस्तु को समझ रहा, मेरे मर्जी के अनुसार नहीं है। स्पष्ट हो रहा है? इसलिए जगत के बारे में वो कोई कुछ ना कुछ बोलते रहा ठीक नहीं है, आप कल्पना करके कुछ ना कुछ करने से फायदा नहीं है, वो जगत कैसा है उसको बोलो। मुझे एक एक अन्य
एक 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 प्रकार दिख पड़ता है, सबको मालूम है। देखो जी, सूर्य यहाँ से छोटा दिख पड़ता है, नहीं वो छोटा है क्या? दिख पड़ता है ऐसे छोटा, लेकिन वो छोटा नहीं है। ये भूमि जितना है वो इट इज सम 5000 टाइम्स बिगर देन दिस। इन द यू कैन कीप 5000 अर्थ्स लाइक दैट, इट इज सो बिग। इसलिए वस्तु जैसा है ऐसा ही समझना वस्तुतंत्र है। ज्ञान वस्तुतंत्र है, वस्तु का ज्ञान वस्तुतंत्र है, ज्ञाता तंत्र नहीं है। याद रखो, एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग ज्ञान आ गया, एक एक प्रमाण से एक एक, विरुद्ध को विरोध नहीं देखना। एक तत्व है और एक अतत्व है, एक ही वस्तु अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रकार दिख पड़ता है। हर एक मनुष्य भी ऐसा है जी, एक एक के साथ एक एक तरफ रहता है, व्यवहार करता है, या नहीं? हम जानते हैं आदमी कैसा है, पूछा? एक है जरूर उसका, उसका स्वभाव और तभी मालूम होगा, वो क्लोज कांटेक्ट में मालूम होगा। कभी कभी होता है गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा आदमी ऐसा नहीं है, संदर्भ के अनुसार कोई भी गुस्सा होता है, बताए नहीं। इसलिए वस्तु का ज्ञान वस्तु के ऊपर ही आधार करके ही समझना। है ना? अभी तक मैं जो जो बताया वो साइंस में भी यही है, वेदांत में भी यही है, फर्क नहीं है। मेरा वेदांत साइंस के विरुद्ध बात नहीं करता है, क्योंकि साइंस में जो है सब कुछ प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति है, सब कुछ ठीक ही बोला है, एक भी गलत नहीं है। लेकिन श्रुति और सहित जितना बोलता है उससे ऊपर बोलता है, ज्यादा बोलता है, इसके विरुद्ध नहीं बोलता। श्रुति डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट साइंस, it tells something more than what science tells. सब लोग याद रखेंगे इसको। इसलिए साइंस के विरुद्ध आप जो पढ़ा है ना, उसके विरुद्ध कोई बात किया ये गलत है। You can straight away say ये गलत है। समझ में आएगा आपको? अभी थोड़ा प्रश्न है, किसी का एक प्रश्न है, तत्व अतत्व सब कुछ बोला हूँ, दोनों प्रमाण में विरोध नहीं होता है बोला हूँ, विरोध जैसा दिख पड़ता है तब तत्व अतत्व बोलते हैं, ज्ञान वस्तुतंत्र है, ऑब्जेक्टिव है, सबको बोला, नहीं समझा है तो पूछ सकते, कुछ समझे है तो अलग है,
मैंने बोला ना दृष्टांत दिया ना एक चक्र है, मैं इतना दूर है तो ऐसे एलिप्स जैसा दिख पड़ा, अगर मेरा भी गलत नहीं उसका भी गलत नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। सर मैं क्या करना, मैं उधर जाना आप उधर देखना, इसी प्रकार वो इसलिए परीक्षा करके समझना बोलता है। क्या है, मैं उसी को यहाँ ऐसा देखा, ऐसा जाकर देखा, वो बाद में ये रिश्ता बाद में एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया। अरे क्या जी, हाँ से देखा बदलता रहता है, ये नहीं बदल रहा है, मैं देखने में कुछ ना कुछ है, इसलिए वो कैसा ही देखेंगे ऐसा उधर जाता हूँ। इसको ही बोलता है परीक्षा। समझ आ रहा है, परीक्षा करके समझना, एक एक स्थल से एक एक प्रकार दिख पड़ा, वो वस्तु बदल रहा है ऐसा नहीं है, उसका मतलब वस्तु जैसा वैसा ही है, लेकिन मैं वो जहाँ खड़ा होकर देख रहा वहाँ नहीं देख रहा हूँ, दूर से देख रहा हूँ, किसी एंगल में देख रहा हूँ, इसलिए मैं उसके अनुसार उधर जाकर देखना, अथवा सूरज है ऐसा है बोला तब इतना ही है ऐसा नहीं समझना, है बड़ा है लेकिन क्यों कम दिख पड़ता है, दूर जाते जाते समय एंगल विजन कम होता है, इसलिए उसका साइज क्या है वो भी है, मैं समझ सकता हूँ। क्या जी सूरज प्रातः काल में इतना बड़ा दिख पड़ता है, लेकिन वो मध्यान्ह काल में छोटा दिख पड़ता है, क्यों, कारण क्या है, पूछता है या नहीं, इसका कारण भी है, कारण है या नहीं, साइंस में बोलता है किसका कारण। इसलिए एक ही वस्तु अलग अलग प्रकार से दिख पड़ा उसका कारण होता है, यहाँ बाद में क्या साइंस में ठीक है, अरे को बोला ना ये साइंस ने नहीं समझ सका तो वो अन्य प्रमाण को हो जाना, एक प्रमाण को नहीं मिलता है तो दूसरे प्रमाण में जाना, दूसरा एक प्रमाण को लेना, हर एक जगह में ऐसा होता है ना, है ना। हाँ उसको ही प्रत्यक्ष प्रमाण बोलता है, साक्षात साक्षात देखा बोलता है ना, ऐसा नहीं माँ, अनुमान उसका नाम है ना, इन्फरेंस एंड स्वामी अर्थापत्ति इज प्रिजम्प्शन एंड उपमान इज एनालॉजी। एनीथिंग एल्स, यस ठीक है, अंग्रेजी में स्वामी थोड़ा अंग्रेजी में भी क्लैरिफाई करना, सुनो बोलता हूँ, पांच प्रमाण को बोला कई प्रमाण, नौ प्रमाण कॉन्ट्रिब्यूशन अदर प्रमाण, ओके, इसलिए वो
मुख्य बात क्या बोला, ओ श्रुति में ऐसा बोला है, मिथ्या ऐसा बोला है, बोला तो इज इट नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग विथ प्रत्यक्ष? इफ इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ प्रत्यक्ष, इवन श्रुति कैनॉट बी राइट. श्रुति कैनॉट मेक ए स्टेटमेंट अगेंस्ट प्रत्यक्ष. आई फॉलोड? सो अभी विच अदर पॉइंट यू डू यू वॉन्ट टू नो? इफ देर इज एनी अदर पॉइंट टेल मी. ठीक है बाद में. मिराज जो है, लाइक मिराज व्हेन वी अप्रोच नियर वाटर डेजर्ट्स. हाँ मिला. सुनो प्रश्न पूछ रहे हैं मिराज के बारे में. हाँ मरीचिका, मरीचिका क्या है आप जानते हैं, है ना? मरीचिका क्या है पूछा. वहाँ पर दूर में गर्म हो गया है धरती, इसलिए वहाँ का हवा भी गर्म हो गया, लेकिन वो चल रहा है, इसलिए डिफरेंट लेवल्स प्रेशर विल बी डिफरेंट, है ना? इसलिए क्या होता है, वहाँ का ज़मीन ऐसा शेक हो रहा है, ऐसा दिखता है, मतलब पानी जैसा दिख पड़ता है, है ना? वो मरीचिका है पानी जैसा दिख पड़ता है ऐसा बोला, वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, राइट नॉलेज है, इट्स नॉट रॉन्ग नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग मिराज एज मिराज, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है. मरीचिका को मरीचिका ऐसा समझा, समय ज्ञान है, लेकिन मरीचिका को पानी ऐसा मैं समझा, वो मिथ्या ज्ञान है. इज इट क्लियर? अभी सुनो, देखिए परीक्षा करके समझना है बोला या नहीं, परीक्षा मतलब देखा इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है. तो सब चीज के लिए हमको कई प्रत्यक्ष यूज करना है. हाँ हर कोई भी वस्तु के लिए एक प्रत्यक्ष काफी नहीं है, वी हैव टू यूज ऑल. नहीं मां, मैंने सब बोलता हूँ सुनो. और एक दूसरा मरीचिका को छोड़ो भी, अभी चक्र है, वहां से एलिप्स दिख रहा है या नहीं? एलिप्स है क्या? इसलिए वस्तु जैसा है वैसा है न देखने के लिए, देख पड़ने के लिए कुछ ना कुछ कारण रहता है, दूर है, एंगल है, और कुछ अड़चन है, ऐसा हो सकता है. इसलिए बोलता है प्रमाण रहने पर भी ठीक तरह से एग्जामिन करो, परीक्षा करके देखो, बोलता है. स्वामी जी ने हर चीज की परीक्षा करनी है, मतलब हर चीज को नहीं माँ, प्रत्यक्ष प्रमाण ही. प्रत्यक्ष में आईज भी देखे, टच भी देखे, सब कुछ पांचों इंद्रियों. माँ मरीचिका देखो, प्रत्यक्ष से पानी दिख पड़ा, पानी दिख पड़ा, अरे मैं देखता हूँ वहाँ पर पानी है क्या, मैं उतर तो गया, तो पानी नहीं है, है ना? लेकिन पानी से जो क्यों दिख पड़ा, तब मैं चिंता करना, ओ कारण ऐसा है ना. लेकिन मरीचिका मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्योंकि फोटो खींच सकता है, इसको फोटो कर सकता है मरीचिका को, है ना? इसलिए देखा, देखते ही ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, परीक्षा करके देखना, इसलिए बोलता है. देखो अभी एक वज्र है, मैं देखा, मालूम हो गया क्या? देखा मतलब
ये ऐसा वज्र ऐसा जानने के लिए और कुछ में जानना है। वज्र मतलब डायमंड? हाँ, ये डायमंड ऐसा, वो डायमंड क्या, मैं मूर्ख हूँ, ये वो ग्लास जैसा है, सब फेंक देता था। अच्छा कोई आदमी तो ये मूर्ख ऐसा रखता है, इट कॉस्ट लैक्स रुपीज, ऐसा बोलता है, बोलता है नहीं। इसलिए परीक्षा करके ही समझना, मैं देखा हो गया ऐसा नहीं है। अभी प्रश्न पूछा ना, ये ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही पूछा सुनकर चला गया, ये ठीक नहीं है। पूछ कर विचार करके ठीक बैठता है सिर में, नहीं तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैज टू बी टेकन टू ग्रांटेड, बट डू एग्जामिनेशन, सिंपली देखा ऐसा हो गया नहीं है, कहीं में ऐसा नहीं होता है। देखा ऐसा चला गया, मालूम हो गया क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण को भी श्रम है, ठीक देखना, ठीक है। So, Swamiji, because the light will, the quality of seeing depends on the light and the refraction and the instrument, and the thought and the spoken word always have a little difference. If only Brahma is the truth, then it cannot be spoken about. No. So that way, everything that we speak and see is an approximation of the truth. No. Hey, it is only guessing. Yeah. Okay. You can't simply say approximation and all that. See, it is as it is. Okay. If I want, I want to, I will touch this also. I will smell this also. Finally, I will say, this is such and such a thing. Okay. There it ends. It is not an approximation or anything. There is nothing like approximation in understanding. Approximation is there only when you make some calculations, not in actual understanding a thing. But in the entire world, only Brahma is subject, which cannot Hare be Rama, why do you go somewhere else? You wait for that. There is nothing like approximation or anything. Swamiji, Pranata Premi of Brahma. Pranata Premi of Brahma, ye teen sabd jo kahe gaye, lekin kahin pravriti sabd ka prayog kiya gaya hai, wo pravriti kya hai? Pramiti is the measured quantity, something like that. Anumiti, pramiti, sabolta. Yes? Swamiji, kisi cheez ki pariksha tabhi kar sakte jab uska pehla, you have an experience with that object previously. See, these are all really very, very, it needs very detailed discussions. I will be glad only if you know that this much is complication is there. Oh, whenever you see something, dekha, oh, उसे संबंधित बहुत कुछ देखकर इसका निश्चय करता हूँ, है ना? हर जगह में ऐसा नहीं होता है। वो घड़ी मतलब घड़ी ऐसा होता है, बट इन सम केस ऐसा नहीं हो सकता। वो थोड़ा सोचना, ये क्या है, ये क्या है, फॉर इंस्टेंस, ओ एक्चुअली आई थॉट इट इज अ डोसा, डिड इट लाइक दिस, इट ब्रोक, इट वॉज ओनली वैक्स। Have you understood the case? Therefore, as a pariksha karke dekhna isliye bolta hai. Keval ek amsh se nahi hai. Wo dekhne ke liye aisa hai, sparsh ke liye kaisa hai. Sab kuch
देखकर बाद में निश्चय करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वस्तु को अलग अलग गुण है, एक एक गुण एक एक से मालूम होता है। अभी देखो एक वस्तु है, एक वस्तु ऊपर देखने के लिए ऐसा है लेकिन अंदर और कुछ प्रकार है, इसलिए वो अनुमान करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक फल देखने के लिए अच्छा दिख पड़ता है लेकिन जो अच्छी तरह से जानता है ऐसा ऐसा करके ये ठीक नहीं है, अंदर खराब हो गया है, ऐसा बोल सकता है। देखता है अच्छा, अमेरिका से आता है ना वैक्स डाल के, देखने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन अंदर खराब है ना। इसलिए परीक्षा करके मतलब ये सब कुछ आ जाता है। योर मेमोरी ऑल्सो प्लेस ए रोल, देयर सो मेनी थिंग्स, नॉट वन और टू। परीक्षा में ये सब कुछ होता है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, आप सब समझदार लोग हैं। ऐसा लाइक डम क्रीचर्स इफ यू लिसन टू एंड गो अवे, व्हाट द फन इन टॉकिंग। हाँ See. How do we know the process of examination once I see a thing is correct or not? And also Swamiji, certain things are beyond our perception. As far as hearing is concerned, it is a specific wavelength we can hear. Seeing is considered in that wavelength. So the things which are beyond the power of those organs of perception or our knowledge. How do we know that our process of examination is correct? No, अभी बोलो ना, वो प्रमाण से जितना मालूम हो सकता है उसको स्वीकार करना, उसको विरोध नहीं कर सकता, लेकिन उसको ऊपर जानना चाहते हैं तो परीक्षा ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं कुछ ना कुछ सुना, उसका मतलब क्या है नहीं जानता हूँ, पल्स देखता है, मैं देखा तो पल्स डब डब इतना ही मालूम होता है मुझे, डॉक्टर को देखा उसको कैसा है, ब्लड प्रेशर क्या है, सब कुछ मालूम होता है। इसलिए हरेक वो व्याप्य जो है, व्याप्य मतलब जैसा धुआ के स्थान में मैंने बोला, देखा उसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर क्या पाठ सीखना, प्रत्यक्ष में जो देख रहा हूँ उसे विरुद्ध कल्पना नहीं करना, उसको आधार करके ही समझना सोचना। इसको भूलकर मैंने कल्पना करते रहा, ये ठीक नहीं होता है ना। सो वो हमको पक्का नहीं है, और सब कुछ मैं जो जानता हूँ ये सब कुछ ठीक हो गया और कुछ नहीं है इसमें, नहीं बोल सकता। सोचकर और ज़्यादा समझ सकते हैं एक ही वस्तु के बारे में। स्पेशलाइजेशन है ना। ओ फ्रॉम टुमारो अभी ओ खुद जो व्यवहार करना है वो होगा। क्या है वो प्रमाणों का उपयोग करके हम अभी जगत क्या है समझना, स्वेटर है कल से शुरू होगा। क्या है हम प्रत्यक्ष से जगत को देख रहे हैं तो ठीक है। अभी जो प्रश्न पूछा था उसी के बारे, लेकिन उसके पीछे उसका कारण क्या है समझना चाहता हूँ तो बहुत सोचना पड़ेगा। बोलो अभी ऐसा आवाज़ को सुना, आवाज़ में थोड़ा फर्क होता है, मुझे मालूम नहीं होता है, लेकिन जो बार 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 देख कर जानता है उसको, ओ इसमें ऐसा है दोस्त, इसमें ऐसा है बोलता है। आपको आश्चर्य लगेगा, बार
कहा वाराणसी में एक पहलवान वो गंगा नदी में स्नान करके जा रहा है ना, दूर से एक आयुर्वेद पंडित बैठा था बूढ़ा, बोला ये जिंदा नहीं रहेगा, कल के अंदर चले जाएगा, बोला वो जा रहा है, पहलवान है, मानवा चलो या ये तुम कैसा बोला, वो भस्म का धारण किया है, ये सूखा नहीं हुआ है, देखो जी ये नहीं सूखा है, ऐसा ही है, सिर्फ दोष है उसमें, हो गया, कितना सूक्ष्म है, मैं इसको क्यों बोलता हूँ, वो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष सबको मालूम होता है, बिल्ली को भी मालूम होता है, लेकिन उसके पीछे क्या है बिल्ली को मालूम नहीं होता है, सोचना पड़ेगा है? मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बोलिए श्रुति स्मृति पुराणानां आलयः।